एकरु पिथाना सफा प्रथम दिनरे आसीबो अतिरिक्त बजेट आसंता डिसेंबर पहिलारु पिथाना सफार शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हेबो। ई अधिवेशन डिसेंबर 31 तारीख पर्यंत चलिबो। अधिवेशनर प्रथम दिनरे 2021-22 आर्थिक वर्षर प्रथम अतिरिक्त बजेट गृहरे आगत हेबो। आज एनेई पिथाना सफा सचिवालय पक्षरु पिथिपथ विज्ञप्ति प्रकाश पाइछे। विज्ञप्ति अनुसार मोट 26 दिन अधिवेशन बसिबो। एथिरे डिसेंबर 10 तारीखरे अतिरिक्त बजेट को गृहीत पई व्यय मंजूरी बिल आगत आसिबो। डिसेंबर 11 डिसेंबर 31 जाए गृह अधिवेशन कि कार्यक्रम हो स्थिरीकृत होना केवल ऑफिशियल बिजनेस और प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस पेपर उल्लेख रही। डिसेंबर 25 और 26 दुई दिन छुट्टी रहिबो। अधिवेशन मुख्यतः ममिता मेयर हत्या व सेक्स स्कैंडल आईन श्रृंखला विपर्यस्त अदिनिया बर्षार थाना फसला नष्ट मंडी समस्या आदि प्रसंग गृह को सरगरम कराइब। पंचायत निर्वाचन पूर्व शेष थर पर अधिवेशन बसुथिबारु उभय शासक और विरोधी निज निजर रणनीति मध्यम लोकों निकटतर होगा प्रयास करेंगे। लघुचाप वर्षा जिलापा सतर्क रहिबाकु निर्देश। दक्षिण आंडामान सागर में सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा लागि रही। आगामी 18 तारीख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षार संभावना थिबा बेले जिलापा सतर्क रहिबाकु निर्देश जारी होई। ए लघुचाप अधिक घनीभूत हो बंगोपसागर अभिमुखी आसी 18 तारीख आंध्रप्रदेश उपकूल छुईब बोली जमापड़े। आज 24 घंटा मध्य राज्य 8 स्थान में 100 मिमी अधिक वर्षा रेकर्ड कर राज्य स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जेना आज समस्त जिलापा समेत कृषि और मत्स्य संपद सचिव आरटीसी आईन श्रृंखला एटीसी अग्निशम आईजी एनडीआरएफ कमांडेंट को लघुचाप वर्षा पर सतर्क रहिबाकु परामर्श देते। आज 18 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल रुति प्रबल वर्षा होबार आशंका थिबा बेले येलो वार्निंग जारी होइछे। एही समय समुद्र अशांत रहुथिबारु 16 व 17 तारीख दुई दिन पर समुद्र भितर को नजिबा पई मत्स्यजीवी मानकु परामर्श दिया जाइछे। केबीएन ग्रुप रा 5 जन को दुईदिनिया रिमांड राणी पुलिस रा पचराउचरा। विभिन्न मारणास्त्र थरी सोशल मीडिया लोकों आतंकित करुवा केबीएन ग्रुप रा 5 जन को दुईदिनिया रिमांड राणी पुलिस पक्षर पचराउचरा कराउछे। एनी भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास सूचना देते से कहते आवश्यक पड़े से पुणी रिमांड में अणाजीव। केबीएन ग्रुप में मोट 30 सदस्य अच्छा। ए ग्रुप मुख्य बुपचना कड़ा नजर रखा जाए। ग्रुप अन्य सदस्य को खूब शीघ्र गिरफ्त करा जिबो। एहा छड़ा वायरल होता भिडर किए सुटिंग करथला तहार भी तदंत जारी रही। भिडियो व्यवहृत मारणास्त्र और बंधुक को जबत कर सूचना देखते डीसीपी से कहते दुईट खेलना बंधुक जबत कर गोटे सत बंधुक भी जबत हो आउ कि मारणास्त्र जबत होना। भिडियो व्यवहृत गाड़ीगुड़ी को सीज कर घर चढ़ाऊ कर सब मारणास्त्र जबत हो। बाल्य विवाह मुक्त अभियान सफल रूपायन गंजाम को जातीय पुरस्कार। गंजाम जिले में निर्भय कढ़ी माध्यम बाल्य विवाह मुक्त ग्राम अभियान क्षेत्र में सफल रूपायन गंजाम जिला को जातीय पुरस्कार मिले। ओडिशा महिला और शिशु विभाग को केन्द्र सरकार पक्ष स्वर्ण पुरस्कार मिले। बाल्य विवाह पर अंकुश लगवा को गंजाम जिलापा विजयमृता कुलांके निजस्व उद्यम जिले में निर्भय कढ़ी कार्यक्रम भली अभिनव पदक्षेप हाथ को निया फल किशोरी सशक्तिकरण हो पारिछन्ते। अद्यापति गंजाम 2042 ग्राम सहरांचल 226 वार्ड एवं 221 पंचायत को बाल्य विवाह मुक्त भाव में घोषणा कर गंजाम जिले में अभिनव कार्यक्रम को ओडिशा महिला और शिशु विकास विभाग समग्र भारत वर्ष में लोकलोचन कणी स्कच नामक एक स्वर्ण पदक हासिल कर। गंजाम जिलापा टीम राज्य सरकार आरंभ कर विभिन्न विभाग को शुभेच्छा जनाई। ओडिशा आंध्र सीमा विवाद 800 किलोमीटर पदयात्रा पर फेरिले मुक्तिकांत। ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा विवादर समाधान दाबी में गत गांधी जयंती ठीक भुवनेश्वर आंध्रप्रदेश राजधानी अमरावती को पदयात्रा जाता राउरकेलार युव समाजसेवी मुक्तिकांत विश्वाल सफलतार सहित निज पदयात्रा शेष कर ओडिशा फेरी आसी। पदयात्रार सफलता पर उत्कल सम्मेलन तरफ सांबादिक सम्मेलन में मुक्तिकांत को संवर्धना दिखाई। ओडिशा और आंध्रप्रदेश मध्य लागू सीमा विवादर यथाशीघ्र समाधान करने उभय राज्यर मुख्यमंत्री एकत्र बस आलोचना करने को दावी जन मुक्तिकांत विश्वाल गत गांधी जयंती भुवनेश्वर पदयात्रा जा दीर्घ 36 दिन पर गत 7 तारीख दिन अमरावती पहुंची सेठे पहुंचा पर आंध्र राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और विरोधी दल नेता एन चंद्रबाबू नायडू को साक्षात करने मुक्तिकांत अनुमति लोड़ा बेले एने ओडिशा सरकार आलोचना पर 9 तारीख में भुवनेश्वर आसवा को आंध्र मुख्यमंत्री को निमंत्रण करने खबर जमापड़ा। कोरोना पर गंजामवासी को डेंगू चिंता गोटे गाँव में 40 ऊर्ध पॉजिटिव। कोरोना भाइरस महामारी पर गंजामवासी को डेंगू डराउछे। छत्रपुर ब्लॉक अंतर्गत सान आर्चपल्ली अंचल में डेंगू रोगी संख्या बढ़िपार लगी। गाँव में सरकारी भाव में 40 अधिक पॉजिटिव चिन्हट होता बेले अनेक रोगी घर हस्पिटाल चिकित्सा जारी रही है। गंजाम जिलार ग्रामांचल में डेंगू आतंक देखाई दिनकु दिन आक्रांत संख्या बढ़ुता बेले आक्रांत अधिकांश रोगी घर डाक्तखाना चिकित्सा जारी रही है। डेंगू को नहीं ग्रामवासी भयभीत अवस्था अच्छा। गंजाम जिला छत्रपुर ब्लॉक सान आर्चपल्ली गाँव में प्राय 40 जन लोके
ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହିବା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ମଶାମାଛି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଗଡ଼ିବ ନନ୍ଦନକାନନର ଟୟ ଟ୍ରେନ୍, ରୋପେକୁ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା। ନନ୍ଦନକାନନର ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ନୂଆ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରଠାରୁ ଏହାର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି କେବେ ରେଳଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନୁହେଁ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ରେଳଧାରଣାରେ ଗଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲେ ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ରେଳଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘତର ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ରୋପେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚାଲିବା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଆକର୍ଷଣର ମାଧ୍ୟମ ନଥିବାରୁ ତେରକୁତୁର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି 1971 ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଶିଶୁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରୁ ପରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲା ଓ ଏହାକୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିରିମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଚାପା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇଟି ଗାଇବ। ଖଣ୍ଡା ପୁଚାଲି ବନ୍ଧୁକୁ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା କେବିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ସୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭୟାନକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୁଲିସ୍ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। ପୁଲିସ୍ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘରେ 2 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ବି ମାତିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସଂଘ ଅମାନିଆ ପାଖର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ର ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖି ରାଜଧାନୀରେ ଉତ୍ପାଦ କରୁଥିବା ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ କକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଇକ୍ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେହି ଫରେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଗାଇବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ହେଲେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀକୁ ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଚିସିଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ମହାରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋତାପାଟା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପି ରାମୁଲୁ କାଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ପୋଷକେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଚିସିଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲ ରୋଡ଼ରେ ଏକ ରାଲି ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଟୋ ଚାଳକ ରାମୁଲୁକୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ରାମୁଲୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତଦନ୍ତ ନ ଶୁଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ବାବୁ? ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। ହେଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇସି ଦୀପକ କୁମାର ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ନା ରାୟପୁର ଘରକୁ ପୁଲିସ ଯାଇଛି, ତଥାପି କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦିଆଗଲା। ଡିଆଇସି ଯଦି କହିବେ ଦୀପଶଙ୍କର ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଗଣ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ପୁଲିସ ପରିତ୍ରରେ ଥାଇ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇସି ଦୀପକ କୁମାର ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର ସାଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗଣୀ ଏପରି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହର। ଏଥିସହ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମହାଲିଙ୍ଗରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମମିତାଙ୍କ ପିତା ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଅନୈତିକ କାମ ହେଉଥିଲା, ମମିତା ଜାଣିଥିଲା, ଏହାପରେ ତାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାର ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ପୁଲିସ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁନି। ବିନା ଚାନ୍ସରେ ପଚରାଉଚରାରେ ଡିଆଇଜି କିପରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୈତିକ, ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ତଥା ଡିଆଇଜିଙ୍କ କ୍ଷମତା ପରିସର ବାହାରେ। ସାବାଡ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଯନ୍ତ୍ରୀ, 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମଣ୍ଡଳ। ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ସିକୁଆଙ୍କାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୁହାଳ ତିଆରି କଲେ।
किंतु पारपार चंत्री कठु ब्लक पर्यंत दौड़ी तुड़ी हईराण हरकत होते चंत्री कृष्णप्रिया मंडल बिल पास करूँ न गत 10 तारीख में पंचायत लिंगराज निजे फाइल धरी बलांगीर दशमती नगरपड़ा रोकवा चंत्री फड़ाखे पहुंचे मात्र से बिल पास कर लाचन देते बिल पास होबनी कही 5-6 टा ने सब कम करदे चंत्री कही लिंगराज अभियोग करते सीबीआई और ईडी निर्देशकों कार्यकाल 5 वर्ष वृद्धि करने को केन्द्र सरकार आणिले अध्यादेश केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो अर्थात सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात ईडी निर्देशकों कार्यकाल वर्तमान 5 वर्ष वृद्धि कराई रविवर्तन भारत सरकार एनफोर्समेंट निर्देशालय और केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो निर्देशकों कार्यकाल 5 वर्ष वृद्धि करने को एक निर्देशनामा जारी करते वर्तमान 2 वर्ष पर्यंत ईडी और सीबीआई मुख्य मानक नियुक्त करा नवंबर 29 रे संसद शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होबार किछ दिन पूर्वरु केन्द्रीय विजिलेंस कमिशनर अर्थात संशोधन 2021 नामक नियम को केन्द्र सरकार आनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यादेश को मंजूर करते परिवर्तन करने केन्द्र सरकार संसद एक आईन प्रणयन करे आशा कराऊ वर्तमान पर्यंत उभय अनुसंधानकारी संस्थार निर्देशकों 2 वर्ष एक निर्दिष्ट समयधरी नियुक्त करए कार्यकाल शेष होगा पूर्व हटाई दी पारना धार्मिक स्थल को जाता केतक ट्रेन पर सात्विक सर्टिफिकेट पाइब IRCTC धार्मिक स्थल मानक करतेक ट्रेन पर सात्विक प्रमाणपत्र इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अर्थात IRCTC निरामिष अनुकूल भ्रमण प्रसार कर भारत सात्विक परिषद कही सूचना सूख्य भारतीय रेलवे किंवा रेल मंत्रालय तरफ ए संक्रांत एपर्यंत कौन बृत्ति दिजाई नी केक गणमाध्यम उपरोक्त रिपोर्ट प्रकाशित होती सात्विक परिषद कहानुसार आज IRCTC सात्विक सर्टिफिकेशन स्कीम्र शुभारंभ हो योजना निरामिष अनुकूल परिवेश सुनिश्चित होगा IRCTC रसशाला एक्जिक्यूटिव लाउंज बजेट होटल फूड प्लाजा ट्रैवल एंड टूर पैकेज रेलचल प्लांट आदि को सात्विक सर्टिफाइड कर एक बृत्ति एनजीओ सात्विक परिषद कही दिल्ली पर राज्य में बुधवार जाए बंद है स्कूल देशर राजधानी दिल्ली और यहां लगी राज्यगुड़िक प्रदूषण स्थित दिनकू दिन बढ़िपार लगी स्थित को देखे दिल्ली सरकार सप्ताह जाए स्कूलगुड़ बंद करता बेले एवं सीमांत हरियाणा सामान पदक्षेप निजाई प्रदूषण पर हरियाणा सरकार गुरुग्राम फरीदाबाद सोनीपत और झाजर समस्त स्कूल को आसंता बुधवार जाए बंद घोषणा करसब जिले में वायुर गुणवत्ता आश्चर्यजनक ह्रास पाई दिनकू दिन प्रदूषण बढ़ुव लोकों जीवन प्रति विपद सृष्टि दृष्टि रखी स्कूल गुड़िक बंद कर जमापड़े स्कूल बंद रहा पिलाने ऑनलाइन क्लास करेंगे एवं पंजाब समेत हरियाणा एकाधिक स्थान में नड़ा चला जाए यही कारण प्रदूषण मात्रा बढ़ी से गाड़ी मोटर बाहर विषाक्त गैस वायुमंडल में मिसी स्थित को आहुरी भयंकर कर जिका कंटेनमेंट कड़ा कटक लागू राज्य में चिंता बढ़ लाणी जिका भाइरस उत्तर प्रदेश कोरोना पर जिका भाइरस कायम लाइछे दिनकू दिन संक्रमण संख्या बढ़ी चलते दृष्टि रखी प्रशासन कड़ा नियम लागू कर जिका को अटकई अपणाई कोरोना नियम जिका तैयारी कंटेनमेंट जोन जिका भाइरस रोगी घर आखपाख 400 मीटर पर्यंत कंटेनमेंट जोन या संक्रमित होम आइसोलेसन रखा परामर्श दिजाई एने शनिवार लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट निर्देशक तुरंत यह कार्यकारी करने को मॉनिटरिंग दल मान निर्देश देते निर्देशवल अनुसाई तदारख 550 सुपर सर्भेलांस टीम गठन कर प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 25 जणिया दल उपस्थित रखे से घर घर बुले रोगी को सर्वेक्षण करजर रखे आंटेलार्फा जांच करेंगे और लक्षणात्मक लोकों परीक्षा करेंगे आज नवंबर मस 15 तारीख सोमवार एवं जाना 12 राशि संपूर्ण राशिफल मेष राशि आज घर केतक रही जाइए पकिया कम को सकाश चिंता करते सभा समिति और आनुष्ठानिक कार्य अग्रगति घटव व्यवसाय केतक समस्या देखाईपे पाख पड़ोशी विभिन्न प्रकार आलोचन समय कटाई आनंद अनुभव करेंगे वृष राशि परिवार रे विभिन्न प्रकार व्यापराध भरणा करने सकाश व्यस्तता बढ़िजी कमर चाप बढ़ा कारण घर कथा बुझापी समय पाइबना कर्म क्षेत्र में उत्साह प्रेरणा दुसाध्य कार्य साधन करेंगे भूल बुझाण घर कलह को नहीं मनरे अशांति लग र मिथुन राशि नूतन कर्मारंभ में उत्साहित होते और सफलता हासिल करेंगे यात्रा समय चानभान चलन सतर्कता अवलंबन करूँ व्यवसायी मैंने कौशल कार्य हासिल करे सहकर्मी फलप्रद आलोचन संतोष पाइबे संतान कृतित्व जो गर्व अनुभव करेंगे कर्कट राशि अधिकांश समय तर्क वितर्क कारण कर्म क्षेत्र में अस्थिरता लग रहा सभा समिति कि अफिस एक मामूली घटन उच्चवाच घटिपे शुभ संवाद शुणा सांग को पदस्थ व्यक्ति साहय बंधुमिलन उत्साहित होते शिल्प वाणिज्य व्यवसाय और पर केतक समस्या भितर दे गति करेंगे सिंह राशि परिस्थित पड़ निकट संपर्क सकाशे व्यय करने को बाध्य है बकिया अर्थ आदाय करें विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करने को पड़पे कर्म क्षेत्र में एकाधिक काम हाथ को नहीं व्यस्त ब्रत हो स्नायविक दुर्बलता विस्फोरण कारण हेतु एक प्रकार समस्या सृष्टि कर कन्या राशि
पारिवारिक समस्या मन भाराक्रांत रही कारण मनरे भावप्रवणता सृष्टि आलोचना समय पाक असंचमता जो बंधुक सुसंपर्क ब्याहत हो पाए कर्म क्षेत्र में अस्थिरता सृष्टि संभावना रही है परीति नियम काम कर समालोचित हो पारती तुलाशि पारिवारिक जीवन में केतक व्यतिक्रम करते विशेष किसी असुविधा होना पूर्व कल लगी पंथटी प्रति सतर्क न रखिले समस्या सृष्टि हो पाए मानसिक अवसाद जो कौन काम उत्साहप्रद होना आलोचना द्वारा समस्या सरल समाधान हो पिछा राशि प्रियजन साहय आर्थिक समस्या दूर हो राजनीति संगठन गवेषणा प्रकाशन और प्रशासनिक स्तर में व्यस्तता दूर हो ईर्षा परिणत हेतु और कठोर वाक्यालाप कारण निज लोकों ठू आस्था हर पशे कला साहित्य संगीत चलचित्र तथा क्रीड़ा क्षेत्र में सफलता मिल पाए धनुराशि समस्या विचलित रहा हेतु ठीक निष्पत्ति नेबार समस्या देखाई पाए आलोचना परिसर में भल संपर्क व्यक्ति भूल धारणा पोषण करेंगे परिवहन व्यवसाय और शिल्प वाणिज्य उन्नति घटे आनुष्ठानिक काम कि राजनीति में नेतृत्व नहीं प्रशंसित हे मकर राशि प्रत्येक क्षेत्र में धर्जहरा न हो कार्यकाले उपकृत होते अन्न कथ रक्षा करने को पंथद्वारा को गमन करेंगे आर्थिक अभिवृद्धि चेष्टित हे और सफल गठनमूलक कार्य प्रशंसित होगा संग को दूरचात्रार सुजोग पाइबे कुंभ राशि सका भ्रमण सकाशे मन पल और दूर स्थान को यात्रा करते पड़ोशी ठीक शुभ खबर पाई खुशी हे पर पैतृक संपत्ति को केन्द्र कर कलह सृष्टि होतेक मिथ्या अभोग को केन्द्र कर कि पुत्रकन्या हेतु समस्या को नहीं चिंतित हे मीन राशि कर्म क्षेत्र में आज सफलता अवश्य पाइबे किंतु एथपाई बहुत मेहनत करने को पड़े क्रीड़ा चलचित्र कला साहित्य और संगीत क्षेत्र में सफलता अर्जन करेंगे पारिवारिक प्रशासनिक चानपान निर्माण और यात्रा सुफल मिल गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ने पूर्व परिपार्श्व आलोचना करूँ।